डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र से नहीं मिल पा रही है जरूरत के हिसाब से वैक्सीन। मनीष सिसोदिया ने कहा वैक्सीन कंपनियां ये कह रही हैं कि केंद्र ही तय करता है कि किसको वैक्सीन मिले। मनीष सिसोदिया ने वैक्सीन फॉर्मूला दूसरी कंपनियों को देने की मांग भी की है। निर्यात रोकने की भी मनीष सिसोदिया ने गुहार लगाई है। तो कल अरविंद केजरीवाल ने भी यही बातें कही थी कि सही तरीके से वैक्सीन नहीं मिल रही है। बकायदा खत भी लिखा था, यह भी कहा था सिर्फ दो ही कंपनियां पूरे देश को वैक्सीन सप्लाई कर रही हैं, जो कोटा पूरा करने में वक्त लगेगा और ऐसे में इस फॉर्मूले को दूसरी कंपनियों के साथ भी शेयर करना चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में हर जगह पर वैक्सीन पहुंच सके। आज वापस मनीष सिसोदिया ने यह बात कही है। दिल्ली में वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के सब लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन की डिमांड की थी। ये मैं पहले बता चुका हूं, 67,00,000 वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी और 67,00,000 वैक्सीन हमने कोवैक्सीन से मांगी थी। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वी आर मेकिंग डिस्पैचेस एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि हम कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कहने पर डिस्पैचेस कर रहे हैं, राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे। We therefore sincerely regret that we cannot make any additional supplies as required by you. तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। तो कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है, पर दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है और हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते। हमने 67,00,000 वैक्सीन उनसे मांगी थी। तो इस चीज से, इस चिट्ठी से एक बात साफ है कि केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहां कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी, ये केंद्र सरकार तय कर रही है।